हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनके दिल में क्या है आपके लिए। ओके व्यूअर्स, क्या है उनके इंटेंशंस, क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या है उनके इमोशंस। ठीक है, तो आज हम ये चेक करेंगे कि उनके दिल में क्या है आपके लिए। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो आप ओपन माइंडेड होकर सुने। ओके, ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी जोडियक साइन हो या आपकी कोई भी उम्र हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। यह रीडिंग टाइमलेस रहेगी, यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या आपसे तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीनों या हफ्ते बाद पहुंचे, आप जब भी इसे देख रहे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ, सबसे पहले आप उसे देख पाएं। ओके व्यूअर्स, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं कि उनमें उनके दिल में क्या है आपके लिए। ओके व्यूअर्स, उनके दिल में क्या है आपके लिए। लेट्स टेक फर्स्ट कार्ड। पहला ही कार्ड जो आया है वो है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। उनके दिल में क्या है आपके लिए। ओके, टावर कार्ड। ओके, टेन ऑफ कप्स, तीनों कार्ड्स आ चुके हैं। उनके दिल में क्या है आपके लिए। व्यूअर्स देखिए, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहली चीज जो लग रही है यहां पे वो ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस हैं। उन्होंने उनको ऐसा लगता है कि आपने अपने बारे में अभी सब कुछ बताया नहीं है। बहुत कुछ है जो कहीं ना कहीं वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि अभी वो नहीं जान पाए हैं। ऐसा लग रहा है कि आपसे बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस वाइब्स आती हैं उनको, जैसे कि कोई बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन हो। यस, और कोई ऐसा व्यक्ति जो इमोशनली बहुत बैलेंस्ड है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा बैलेंस्ड हो, ज्यादा रोते धोते नहीं हो, ज्यादा किसी के पीछे नहीं पड़ते हो, ज्यादा ज्यादा ओवर एक्सप्रेस नहीं करते हो, बहुत ही बैलेंस्ड हो, या ना कि ज्यादा रोना भी नहीं, ज्यादा क्राई नहीं करना किसी के लिए। तो वो सोचते हैं इस बारे में कि आप ऐसे कैसे व्यक्ति हो जो किसी के पीछे इतना बिल्कुल भी नहीं भागते, यानी किसी के लिए बिल्कुल भी सीरियस इतना नहीं होते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं ना व्यूअर्स, के अगर उनसे कोई बात नहीं कर रहा है या उन्हें कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, तो एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं, एकदम घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। लेकिन आपसे इतनी बैलेंस्ड वाइब्स आती हैं कि आप सैड नहीं होते, नॉर्मल रहते हो, बहुत ही नॉर्मल कैजुअल रहते हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो। तो आपसे ऐसी वाइब आती है उन्हें, और इसी वाइब की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई है आपके लिए। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत वैल्यू देते हैं,
तो इसीलिए आपके सेल्फ रिस्पेक्ट आपको रोमांटिकली और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, तो आपके पर्सन का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। बिकॉज आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम नहीं करते, चाहे आपको कोई छोड़ के जाए, चाहे आपकी लाइफ में कोई आए, आप बैलेंस रहना पसंद करते हैं, ना ज़्यादा रोते हैं, ना ज़्यादा यू नो ओवर एक्सप्रेसिव होते हैं, और आप बिल्कुल रूड भी नहीं होते कि बिल्कुल रूड हो जाएं आप, ये बिल्कुल यू नो एटीट्यूड में आ जाएं, ईगो में आ जाएं, ऐसा भी नहीं करते हैं। तो बहुत ही बैलेंस फॉर्म में रहते हैं आप, यस, काफ़ी बैलेंस। और ये चीज़ आपके पर्सन को काफ़ी अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, उन्हें लगता है कि कुछ तो है मिस्टीरियस है, जो कुछ तो है जो यहाँ वो उन्हें जानना चाहिए, उन्हें पता नहीं है। ओके, चाहे ऐसा हो रियल में कि शायद उन्हें आपके बारे में बहुत कुछ ना पता हो, लेकिन अगर आप सब पता भी है तो भी आपसे वाइब उनको ऐसे आती है जैसे आप बहुत मिस्टीरियस हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, ओके, सब कुछ अपना हर एक इमोशन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते होंगे आप, इसी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा हो सकता है कि आप काफ़ी मिस्टीरियस हो। कहीं ना कहीं व्यूअर्स, मुझे ये भी लग रहा है कि आपके ये जो पर्सन हैं, इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आपकी एज कोई भी है, आपका यू नो उम्र कोई भी हो, लेकिन स्टिल उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, शायद आपके पर्सन से भी ज़्यादा मैच्योर हो, क्योंकि आप में एक समझदारी है और जो काफ़ी समय के पहले ही आ गई है। अगर कुछ लोग होते हैं जो एक सर्टेन एज पर पहुंच के इतने ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, या उन्होंने एक सर्टेन एज पर पहुँच कर इतना एक्सपीरियंस ले लिया होता है लाइफ का, लेकिन आप अभी यू नो काफ़ी कम उम्र में काफ़ी मैच्योर दिख रहे हो यहाँ पे। और कहीं ना कहीं वो थोड़े इस बात से शॉक्ड होते हैं कि आप इमोशनली इतने ज़्यादा ड्राई कैसे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशंस की वैल्यू नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि एकदम किसी के लिए अपनी लाइफ को डेडिकेट नहीं करते, या एकदम प्यार में अपने आप को यू नो डुबाते नहीं हैं आप कम्प्लीटली, क्योंकि काफ़ी बैलेंस रहते हैं। आप इमोशंस की वैल्यू करते हैं, लेकिन इतनी नहीं कि आप उनको सर पे बिठा के रखें, यानी कि आप इमोशंस को अपने सर पर हावी होने नहीं देते, अपने दिमाग पे हावी होने नहीं देते कि इमोशंस आपको कंट्रोल करने लगे, ये आपको नहीं पसंद है, आप इमोशंस को कंट्रोल करो, ये आपको पसंद है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल में ये बात तो है आपके लिए व्यूअर्स, ये सारी बातें वो सोचते हैं आपको लेकर, यस, उनको ऐसा लगता है आपकी मिस्टीरियसनेस की वजह उनको ये भी लगती है कि आप कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, आप एक हीलर हो सकते हो। ओके, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप नेचुरली हीलर हो सकते हो, या ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी एजुकेटेड हो, या ऐसा हो सकता है कि आपको विजडम बहुत है, नॉलेज बहुत है किसी किसी चीज़ की। तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे लग रहे हो आप जो नॉलेजेबल हैं, फुल ऑफ विजडम हैं, ठीक है, और बैलेंस्ड है, बहुत बैलेंस्ड। और आपके पर्सन को आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जितने आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हो उतना ही आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन के दिल में ये बात चल रही है कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, इनका जीवन पूरा हिल गया है, यानी कि इनकी लाइफ में सब अप एंड डाउन हो गया है। यस, आपने इनकी लाइफ में व्यूअर्स जब एंट्री ली है, जब इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, या फिर आपने एंट्री कभी भी ली हो लेकिन इनकी लाइफ में अब ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में यू नो बिग चेंजेस आ रहे हैं, या तो इन ये थर्ड पार्टी से बाहर आ रहे हैं, थर्ड पार्टी अगर कोई थी, ओके, इफ देयर वॉज एनी थर्ड पार्टी, तो वो थर्ड पार्टी के कंट्रोल से, प्रेशर से बाहर आ रहे हैं, ओके, और यहाँ पर अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को रिमूव कर रहे हैं। ओके, जो भी जेलस लोग थे, फेक फ्रेंड्स थे, नेगेटिव लोग थे, वो इनकी लाइफ से जा रहे हैं। ओके, ये हो सकता है कि ये उन्हें खुद अपनी लाइफ से दूर भेज रहे हैं, उनसे खुद सेपरेट हो रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग इनकी लाइफ से अपने आप ही जा रहे हैं, क्योंकि यही टाइमिंग है इस नेगेटिविटी को इनकी लाइफ से रिलीज़ होने का। तो इनकी लाइफ से काफ़ी कुछ रिलीज़ हो रहा है। ओके,
मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी तो वो भी इनकी लाइफ से रिलीज हो जाएंगी, अगर हो जाएंगी या हो जाएंगे जो भी हैं। जैसे अगर कोई कार्मिक पार्टनर है या कोई एक्स पार्टनर है आपके, पर्सन अब तक उनसे मूव ऑन नहीं कर पाए या अब तक इन्वॉल्व हैं, तो आपके पर्सन अब उस सिचुएशन से फ्री हो जाएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और ये बिग चेंजेस हैं। ओके, ये लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं ये बदलाव, तो आपके पर्सन के जीवन में ये बदलाव आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में तभी आए हो जब ये सब बदलाव हो रहा है, आपके आने की वजह से ये बदलाव हुआ है, आपके आने की वजह से इनकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आई है, या मैं कहूँ कि आपको देख देख के ये इतना इंस्पायर हुए हैं कि कहीं ना कहीं कंट्रोल में, प्रेशर में, या अपने मन के विरुद्ध, अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ काम करना इन्हें अब पसंद नहीं आ रहा है। मुझे व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है 10 ऑफ कप्स का कार्ड देख के कि कहीं ना कहीं ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली, बच्चे, पेट्स, एक फुल फैमिली चाहते हैं और खुशी से रहना चाहते हैं आपके साथ। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और किसी ऐसे सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन को अपना स्पाउस बनाना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। ओके, उन्होंने शायद ऐसे लोगों से तो काफ़ी डील किया होगा जो एकदम इमोशनली वल्नरेबल रहते हैं, पर उन्होंने आप जैसा इमोशनली स्टेबल पर्सन काफ़ी समय बाद देखा होगा या बहुत रेयर देखा है। आप जैसा इमोशनली स्टेबल पर्सन उन्होंने बहुत कॉमनली देखा नहीं है। ओके, और उनको ये भी लग रहा है कि उनकी लाइफ में अब जो गुड चेंजेस आए हैं ये आपकी वजह से आए हैं, आपकी वजह से इनको इतना कॉन्फिडेंस मिला है कि ये कुछ कर पाएँ, आपको देख के ये इतना इंस्पायर हुए हैं कि ये अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को रिलीज कर पाएँ। ओके, या नेचुरली आप व्यूअर्स आए हो और इनकी लाइफ में चेंजेस हुए हैं आपके आने से, तो ये आपको अपना लकी चार्म समझ रहे हैं, आप ये आपको अपना गुड लक समझ रहे हैं कि आप इनके लिए गुड लक हो। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके, तो व्यूअर्स यहाँ पर आगे मैसेज है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, यू एंड योर लव लाइफ, यू एंड योर लव वंस आर सेफ एंड द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपका कमिटमेंट भी टेस्ट हो रहा है ऐसा लग रहा है, आप इस पर्सन को लेकर कितने इन्वेस्टेड हो, आपकी फीलिंग्स कितनी जेन्युइन हैं, आपके इंटेंशंस इनको लेकर कितने प्योर हैं, कितना आपका जो प्यार है वो सच्चा है। अब यहाँ पर वो चीज़ टेस्ट हो रही है, उस चीज़ की परीक्षा हो रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपको काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगे, हो सकता है काफ़ी रिश्ते भी आएँ आपको, या कहीं ना कहीं आपको कोई और प्रपोज कर दे, तो आप डिस्ट्रैक्ट मत होना। अगर आप इनके लिए प्योरली इन्वेस्टेड हो, सिर्फ इनको प्यार करते हो, सिर्फ इन पर फोकस कर रहे हो, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है। ये टाइम ऐसा चल रहा है जहाँ पर आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, या आप सोचना छोड़ दोगे इस रिश्ते के बारे में कि मुझे अब चाहिए ही नहीं, बस बहुत हो गया, ऐसा भी सोच सकते हो। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ऐसा कुछ नेगेटिव सोचोगे तो फिर सच में आप ये ना सोचें कि जल्दी फिर अब रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा,
अभी आपकी लाइफ में जल्दी आ क्यों नहीं रहे, क्योंकि आपने नेगेटिव सोचा भी है। तो अपनी सोच को थोड़ा आप बैलेंस रखें। जैसे आपके पर्सन के दिल में ये बात है कि आप एकदम बैलेंस पर्सन हो, ऐसा आपको सच में भी रहना है। अगर आप सच में ऐसे रहेंगे तो ये अंततः आपको ही फायदा करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप डिस्ट्रैक्ट होते हुए भी मुझे दिख रहे हो। ओके, कोई और आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है या कोई और आपकी लाइफ में एंट्री करने की भी कोशिश कर सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। साथ ही साथ यू एंड योर लव वंस आर सेफ, यानी कहीं ना कहीं व्यूअर्स, अगर आपको किसी चीज़ के लिए टेंशन थी कि आपके परिवार वाले या आपके पार्टनर या आपके पर्सन कि कोई किसी प्रॉब्लम में है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो, ओके, किसी प्रॉब्लम में है, तो यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है, आपको बता रहे हैं डिवाइन कि आप और आपके पर्सन या आप और आपके फैमिली वाले या जिन भी लोगों से आप प्यार करते हो, जो भी लोगों की आपको फिक्र है, वो सब एकदम सेफ है। अगर आपकी फैमिली में भी किसी को कोई प्रॉब्लम था, हेल्थ इशू था, कोई फाइनेंशियल इशू था या कोई फैमिली इशू था, ये कुछ भी था, कोई करियर इशू था, ये सब यू नो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सेफ जोन में है सब। ओके, सबके सब आउट ऑफ डेंजर हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो आप बेवजह फिक्र करना बंद कर दें। ये मैसेज आपके लिए अलग से आया है। ओके, अगला मैसेज यहाँ पर ये भी है कि द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो अगर आप इस पर्सन से कुछ जवाब चाहते हो, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हो, कुछ कन्फेशन चाहते हो, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको मिल सकता है। अगर आपके कुछ सवाल थे इस पर्सन से, इस व्यक्ति से आप कुछ पूछना चाहते थे, आपके मन में कुछ प्रश्न थे, तो आपको उनका जवाब मिल सकता है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप डिवाइन से कुछ प्रे कर रहे थे, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको वो आपकी विश भी पूरी हो सकती है। आपकी अगर कोई इच्छा थी, आपकी कोई विश थी, तो वो भी पूरी हो सकती है। ओके, आपकी इच्छा पूरी होती हुई भी दिख रही है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, और उसका शायद आपको अब रिवॉर्ड मिल जाएगा, क्योंकि द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो भी आपको जवाब चाहिए थे वो आपको मिल जाएंगे। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो शायद वो भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो आपका कमिटमेंट यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, इसीलिए आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फोकस्ड रहना है। और दूसरी चीज़, इस रिश्ते पर फिर क्विट नहीं करना। अगर इतने टाइम तक आपने इनका वेट भी किया है तो एकदम से क्विट ना करें। ओके, क्विट करेंगे अगर आप एकदम से, तो फिर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाएगी। ओके, यस, ऐसा हो सकता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन के नाम में या आपके नाम में आर आता हो, एस आता हो, आर एस एच एम एन ए ई फॉर एलिफेंट, ये कुछ लेटर्स हैं, ये कुछ अक्षर हैं जो आपके नाम में या आपके पर्सन के नाम में आ सकते हैं। ओके, तो उनके दिल में व्यूअर्स कुछ ऐसी बातें हैं। ओके, आई होप इस रीडिंग से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली है, थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत भी गाइड किया है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ज़रूर लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को। ओके, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस एंड चैनल्ड सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ, सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, और अपने कमेंट्स करना मत भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने हैं, देखना है कि इस रीडिंग ने आपको कितना हेल्प किया है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय व्यूअर्स, बाय बाय फैमिली।